नमस्ते सबको, और फिर से गुड मॉर्निंग। आया है इस एंगल से धूप बहुत लगता है यार। हाँ, एनीवे तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं शर्ट वगैरह पहन कर कहाँ निकल रहा हूँ। गुड क्वेश्चन। सो आज का हमारा सुबह का पहला टास्क है, हम संबलपुर जाएंगे। संबलपुर से हमको लेकर के आना है हमारे गाड़ी का, यानी कि पेराक का थ्रॉटल वायर। पता नहीं, वो बिक्की भाई लास्ट टाइम बोले थे कि थोड़ा बहुत इशू हो रहा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉल पे बात कर चुका हूँ मैं शोरूम पे थ्रॉटल वायर अवेलेबल है। और बस, और क्या, राइड का खाली बहाना चाहिए और बस थ्रॉटल वायर लेने चलते हैं। और क्या, एक बदमाश को देखेंगे। ओह, सुधरू बच्चा। एनीवे चलते हैं, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, थोड़ा ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको रास्ते पे मिलते हैं। तो गेटअप रेडी हो गया है, नॉर्मली बन के जा रहा है, उसमें क्या है, इतना क्या फैंसी करना है। हम नीचे जाते हैं, तो चलते हैं। तो पहला प्रोग्राम आप पे क्या है बताया, तो पहला हम जाएंगे बिक्की भाई के दुकान में। बिक्की भाई से पूछे हैं टाइम का, क्या फ्री है, कैसा करेंगे। वो पता करने के बाद हम सीधा जावा शोरूम निकलेंगे और वहाँ से कैलाश भैया को फ़ोन किया हूँ, देखते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, अभी जावा 42 के बहुत सारे अभी वेरियंट्स आए हुए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा उनको भी कवर करने का। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो एंड तक देखेंगे। और क्या, चलिए। कुछ हो ना हो, हाँ, अच्छा खासा राइड पर जाने के टाइम पे बूट्स होना बहुत ज़रूरी है। ग्रिप वगैरह अच्छा रहता है, स्टाइल और लुक्स भी तो ठीक ही है। ओके, अरे हाँ, चलिए ठीक है, चलते हैं। अरे हाय, कितना गंदा हो गया, साफ करना पड़ेगा इसको। ये गाड़ी गंदा अच्छा नहीं लगता है। काम करेंगे इसको, बिक्की भाई के पास जाते टाइम उसको थोड़ा धुलवा भी लेंगे मस्त। चलो थ्रॉटल वायर वगैरह भी चेंज वेंज कर लेंगे। बस थ्रॉटल वायर पर थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं आना चाहिए, अभी के लिए बजट टाइट चल रहा है। ओके, तो आपको एग्जॉस्ट सुना देते हैं एक बार फिर। एग्जॉस्ट सुनने में तो सबको मज़ा आता है। चलिए फिर निकलते हैं। Thank you.
अभी फ्री रहोगे ना? कैसा फ्री रहोगे? तो हाँ क्या हुआ? मैं छोटा वायर लेके आ रहा हूँ, छोटल वायर लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना? मिल गया? हाँ हाँ, वो रखा है बोला वो, तो मैं पूछ लेता कि गाड़ी इतना सारा रखे हो। बहुत सारे ठीक है, मेरे को मैं लेके आता हूँ। और क्या छोटा वायर कितना पड़ेगा? ओके, तो फाइनली जो चीज़ लेने आए थे वो मिल गया हमको, थ्रॉटल वायर। ये है हमारा थ्रॉटल वायर, इसको चेंज करना है। ये चेंज हो जाएगा तो गाड़ी फिर से मक्खन। ये पाउच लेकिन यार बहुत हैंडी आ रहा है यार, मज़ा आ जा रहा है ये पाउच। मतलब जो भी होगा इजी टू कैरी, इजी टू सब कुछ करके। तो अपने निकलते हैं अभी के लिए, आज तो बाहर पता नहीं इतना भीड़ क्या है। गाड़ी भी बहुत दूरी पार करना पड़ गया मेरे को। थोड़ा शोरूम घूम करके आते हैं, कैलाश भी आए कि नहीं, थोड़ा देखते हैं उधर। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जावा शोरूम में यार ब्लैक मिरर भी है, सब कुछ है। गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो ये जैसे देख सकते हैं ये एसडी का पहला कलर है, वाइट और रेड कॉम्बिनेशन। ये भी थोड़ा बहुत आई गेस मैं सोचूंगा कि ये जावा बॉबर से इंस्पायर्ड था, बट उसके बाद स्टिच पैटर्न वगैरह में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट, मतलब थोड़ा डिज़ाइन चेंजेस भी है, बट वहीं पर नए वाले के पास आते हैं। तो अब आपको डुअल कलर ऑप्शन से एक और मिल जाता है, बढ़िया। आगे की फिनिशिंग भी अच्छी है, एलॉय व्हील्स, और नए वाले में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है पता है? इसके फुटपैड्स आप अगर नोटिस करेंगे, मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके जो फुट पैक्स हैं ये इस तरफ हैं, तो ये क्या होता है ना, इसमें आपके पैर थोड़े ऐसे हो जाएंगे, बट ये जो है ये आपको एक प्रॉपर क्रूजर वाली फील आने वाली है नए रोडस्टर पे। और बस अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ESD संबलपुर आ सकते हैं। बस लोकेशन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूँगा। बस वो क्या, तो यही है, डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, कैलाश भाई को थोड़ा फ्री हो जाने दीजिए। उसके बाद बाकी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, यही तो ओके। सो फाइनल निकलने का टाइम हुआ भैया, फिर मिलते हैं फिर। बिल्कुल मैं कॉल करूँगा, देखता हूँ विवेक लोग अगर बोलेंगे तो अपना कचरा खुद उठा के फेंक देना चाहिए। बाय बाय ब्लैक मिरर। अब बस क्या, अपना गाड़ी लेकर के निकले, पोर्टल वायर वगैरह थोड़ा ये सेट कर दिया।
से हम निकले फिर से वापस। फाइनली थ्रॉटल वायर चेंज करेंगे अब, डिकी वायर करेंगे चेंज। यहाँ आते ही सबसे पहला न्यूज़ मिला कि हमारे जान पहचान में एक तो है भैया, वो मैडॉक का अपना ऑक्सलाइट्स वगैरह सब लगा रहे हैं। मैडॉक्स उसके ऊपर भी सब कुछ हो जाएगा, देखेंगे वो, अगर उसको भी हम कवर कर पाएंगे तो। बट अभी के लिए जो है और क्या, अभी के लिए अपने गाड़ी पे फोकस करते हैं। तो वैसे वो पुराना वायर में हुआ क्या था, पूरा खाता घिस गया था क्या? पुराना वायर में क्या हुआ क्या, पूरा घिस गया था? नहीं पुराना नहीं हुआ, ये पुराना वायर वो टूट गया था, हार्ड हुआ। हार्ड गया था ना। अच्छा अच्छा रिक्वेस्ट करवाएं जो अभी। फाइनली गाड़ी का काम वाम करवा करके घर आ गए, फटाफट से टैंक वैंक निकाल देते हैं, ऊपर चलते हैं। और गाइस अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि मैं ऐसे वीडियोज और भी लेके आते रहूं। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियोस को इम्प्रोवाइज कैसे कर सकता हूँ, नया कंटेंट आप क्या देखना चाहेंगे, मैं वो सब लाने का ट्राई करूँगा। बिकॉज बाइक्स का कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली होम, बैक टू होम।